तो भैया चाहे कोई कितना भी शॉटगन चला ले, लेकिन MP40 का फैन कोई बंदा हो नहीं सकता। ये मैं मान ही नहीं सकता, ये मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा MP40 का स्किन सबसे बेहतर है, किस MP40 का डैमेज अच्छा है, किस MP40 का रेट ऑफ फायर अच्छा है, कौन सा MP40 हेड पे कितना डैमेज देता है, बॉडी पे कितना देता है, कौन लॉन्ग रेंज के लिए अच्छा है, कौन शॉर्ट रेंज के लिए अच्छा है यार। और फिलहाल तो यार MP40 तो शॉर्ट रेंज में यूज होता है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उसको पहले बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा यार, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, इसे हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा यार। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो पहला जो हमारा MP40 है वो है पोकर MP40, जो काफी पॉपुलर MP40 है, काफी बेहतरीन MP40 है। लेकिन ये MP40 यार हम लोग को सिर्फ इनक्यूबेटर में आया था यार। तो जिसके पास पैसा है यार उसके पास पोकर है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास तो पोकर नहीं है। तो फिलहाल यार देखेंगे यार, तो इस MP40 पोकर MP40 का डैमेज, इसका अगर एट्रीब्यूट का बात करें तो इसमें डैमेज प्लस प्लस है, रेट ऑफ फायर प्लस है, और रेंज इसमें माइनस है। तो यार काफी सही है यार इसमें। तो आप लोग इसे जानते हो कि यार कोई भी गन में अगर रेट ऑफ फायर रहता है तो वो गन सबसे बेहतरीन गन माना जाता है, क्योंकि जितना तेजी में हमारा गन से गोली निकलेगा तो उतना जल्दी बंदे को हम लोग नॉक या मार सकते हैं यार। तो सही है यार। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे कि यार पोकर MP40 देखो यार हेड पे 137 का डैमेज दे रहा है, ठीक है। तो इससे यार मैकेनिकल MP40 काफी अच्छा डैमेज देता है हेड पे, लेकिन पोकर MP40 जो है हमारा हेड पे 137 का डैमेज देता है और बॉडी पे यार 25 का डैमेज दे रहा है। लेकिन यार इसका पोकर MP40 का रेट ऑफ फायर देखो यार, मतलब काफी सही रेट ऑफ फायर है यार, मतलब क्या ही बोले यार, गजब MP40 यार। इसमें डैमेज भी आपको डबल डबल प्लस प्लस मिल जाता है और रेट ऑफ फायर उसके साथ रेट ऑफ फायर भी सिंगल प्लस मिल जाता है यार। तो इसीलिए यार पोकर MP40 यार काफी बेहतरीन MP40 यार। और इसका अगर रेंज का बात करें तो रेंज इसमें माइनस है, तो अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस से इसको यूज करोगे तो यार डैमेज यार काफी कम डैमेज देगा यार, करीब 7-8 का डैमेज आपको देगा यार बॉडी पे यार। तो चलो यार सही है यार। तो नेक्स्ट MP40 की अगर बात करें तो नेक्स्ट MP40 है हमारे पास मैकेनिकल MP40, जैसे कि आप देख पा रहे हो यार। तो इसमें यार अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो डैमेज इसमें प्लस प्लस है, रेंज इसमें सिंगल प्लस है, और रिलोड स्पीड इसका माइनस है। तो यार MP40 में यार रिलोड स्पीड उतना कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि MP40 यार बहुत जल्दी यार रिलोड हो जाता है यार। तो सही है यार। तो डैमेज जैसे इसमें डैमेज प्लस प्लस है तो ये अच्छा डैमेज देगा यार, रेंज इसका प्लस है तो आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में भी इसको यूज करेंगे तो ये अच्छा ही डैमेज देगा ब्रो। तो देखिए यार हेड पे, देखिए मैकेनिकल MP40 हेड पे 143 का डैमेज दे रहा है ब्रो, मतलब हाईएस्ट यार हेड पे 143 का डैमेज सिर्फ मैकेनिकल MP40 ही देता है यार, इससे ज्यादा कोई नहीं दे पाता यार। और बॉडी पे अगर बात करें तो 26 का डैमेज देता है यार, ये भी यार हाईएस्ट है यार। दूसरा MP40 यार बॉडी पे 25 का डैमेज देता है ब्रो। तो सही है ब्रो। और मैकेनिकल MP40 का अच्छा बात है कि यार थोड़ा डिस्टेंस से यूज करोगे तो अच्छा ही डैमेज देता है ब्रो। तो बात ऐसा है कि यार मैकेनिकल MP40 का स्किन यार सबके पास फिलहाल होना चाहिए यार, क्योंकि ये फ्री में दिया था यार। तो शायद आपके पास होगा, अगर आपके पास है तो यार आप यूज करो यार मैकेनिकल MP40, बहुत ही अच्छा MP40 है यार। तो नेक्स्ट अगर MP40 की बात करें तो हमारे पास है यार न्यूवेयर का MP40। तो अगर इसका एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें डैमेज यार प्लस प्लस है, मैगजीन इसमें प्लस है, और एक्यूरेसी माइनस है। तो आपको जैसे पता ही होता है कि यार एक्यूरेसी अगर माइनस है तो गन तो थोड़ा बहुत रिकॉइल करेगा ही भैया जी। और डैमेज इसमें प्लस प्लस है और मैगजीन इसमें प्लस है यार। तो चलो यार MP40 में मैगजीन क्या यार, MP40 तुरंत यार रिलोड हो जाता है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो हेड पे अगर बात करें तो न्यूअर MP40 हेड पे 137 का डैमेज दे रहा है, देख पा रहे हो। मैकेनिकल MP40 में डैमेज प्लस प्लस था, डबल डैमेज था, और इसमें भी डबल डैमेज है, लेकिन मैकेनिकल MP40 143 का डैमेज देता था हेड पे, लेकिन ये 137 का। चलो यार सही है। तो काफी सही MP40 यार, हेड पे 137 का डैमेज दे रहा है और बॉडी पे यार 25 का डैमेज दे रहा है, तो काफी हद तक सही है यार। लेकिन कुछ खास नहीं है यार इस MP40 में, उतना देखो रेट ऑफ फायर भी नहीं है, ठीक है, कि तेजी से गन गोली निकले यार। और इसमें अगर डैमेज की बात करें तो डैमेज भी उतना अच्छा नहीं है। तो सही है यार, यूज कर सकते हो आप यार। एक्यूरेसी भी माइनस है तो यार थोड़ा बहुत रिकॉल तो यार करेगा ही, तो रिकॉल आप लोग कंट्रोल तो कर सकते हो यार। जैसे कि गन का स्विच अगर फायर करके रखोगे तो यार रिकॉल तो बहुत गन होगा यार। तो इसीलिए यार फायर करो, थोड़ा सा छोड़ के फिर से फायर करो यार, इसमें यार रिकॉल आप ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो यार, ठीक है। तो नेक्स्ट जो MP40 का स्किन है तो हमारे पास है विंटरलैंड का स्किन। अगर इसका एट्रीब्यूट की बात करें तो रेट ऑफ फायर प्लस प्लस, मतलब क्या ही बोले, जब डबल रेट ऑफ फायर है ब्रो और एक्यूरेसी माइनस है तो यार
रिकॉइल करेगा यार। लेकिन भाई भाई साहब रेट ऑफ फायर देखो यार, मतलब तुरंत तुरंत आपका मैगजीन ये गन खाली कर देगा ब्रो। तो इसको आप लॉन्ग रेंज में तो यूज ही नहीं कर पाओगे किसमें, क्योंकि यार एक्यूरेसी भी माइनस है और इसमें यार रेंज भी नहीं है। तो ये लॉन्ग रेंज में विंटरलैंड स्कीन आप यूज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका रेट ऑफ फायर अगर डबल डबल प्लस है यार, मतलब प्लस प्लस है, तो इसको आप शॉर्ट रेंज में यार, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में यार काफी यूज कर सकते हो यार, काफी अच्छा यार रिजल्ट देगा यार ये। देखिए यार अगर डैमेज का बात करें तो विंटरलैंड उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा यार, क्योंकि देखो यार इसमें यार डैमेज तो है नहीं, रेट ऑफ फायर डबल है। तो अगर ये तुरंत तुरंत ये गोली निकलेगा तो बंदे के ऊपर यार, बंदे को तुरंत नॉक कर सकता है यार। तो हेड पे ये हेड पे विंटरलैंड हमारा 126 का डैमेज दे रहा है ब्रो, और बॉडी पे 23 का डैमेज देता है। तो यार मुझे तो यार काफी पसंद है, मेरे पास देखो यार काफी MP40 का स्किन है, मैकेनिकल है और विंटरलैंड है, न्यूएयर है, लेकिन मैं तो यार मैकेनिकल या विंटरलैंड यूज करता हूँ यार, क्योंकि यार इसमें देखो रेट ऑफ फायर यार डबल डबल प्लस यार, मुझे यार रेट ऑफ फायर जिसमें डबल डबल रहता है मुझे मजा ही आता है यार। तो सही है ब्रो। तो नेक्स्ट जो MP40 है देखो यार, तो ये MP40 तो इसका यार एट्रीब्यूट की बात करें तो रेट ऑफ फायर प्लस है यार, काफी अच्छा है, रेंज माइनस है, तो इसको आप शॉर्ट रेंज या मिड रेंज में यूज कर सकते हो। और मैगजीन इसमें प्लस प्लस है तो छोड़ो यार, MP40 तुरंत रिलोड हो जाता है तो मैगजीन का उतना फर्क नहीं पड़ेगा यार। और इसका अगर डैमेज की बात करें तो देखो यार ये हेड पे 126 का डैमेज दे रहा है सेम एज विंटरलैंड, और बॉडी पे ये 23 का डैमेज दे रहा है क्या यार। तो रेट ऑफ फायर इसका प्लस है और रेंज इसका माइनस है, तो सही है यार ये MP40 भी सही है यार। लेकिन इसका डैमेज की बात करें तो यार क्या इसमें खास कुछ है ही नहीं यार, इससे अच्छा तो हम विंटरलैंड यूज कर लेंगे यार, इसमें डबल डबल रेट ऑफ फायर है यार। तो सही है यार MP40 भी अच्छा है यार, उतना अच्छा नहीं है यार। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो यार आप लोग के पास अगर पोकर है तो पोकर को यूज़ करो यार, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, तो यार पोकर छोड़ के मैकेनिकल भी यूज़ कर सकते हैं यार, बहुत काफ़ी सही MP40 है। इसका डैमेज भी अच्छा है यार, तो खैर छोड़ो यार इसका डैमेज देखो यार, और ये आप थोड़ा रेंज में भी इसको अगर यूज़ करोगे तो ये अच्छा खासा रिजल्ट देगा यार, अच्छा खासा डैमेज देगा बंदे के बॉडी के ऊपर यार। और मैं मैकेनिकल या फिर विंटरलैंड, मेरा दो ही फेवरेट MP40 है मैकेनिकल या विंटरलैंड है। विंटरलैंड में खास बात है कि रेट ऑफ फायर इसका प्लस प्लस है यार, मतलब क्या ही बोले था। तो चलो यार यही था इस वीडियो में यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भैया जी जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, थोड़ा शेयर कर दे यार दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए यार, काफ़ी कम सब्सक्राइबर है हमारा। तो चलो यार, और चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिएगा यार, तो हम लोग यार लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, तो आप लोग आओ यार हमारे साथ खेलो यार, मजा करेंगे यार साथ में यार। चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, लव यू, बाय बाय।